महानगर में भीषण गर्मी का प्रकोप प्रचंड स्तर पर है। तेज धूप और तपन में दूर दराज से प्रतिदिन सैकड़ों मरीज इलाज के लिए परिजनों के साथ आते हैं। मरीज सुबह से ही लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। जिला अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ जाने से अस्पताल परिसर में लगा वाटर कूलर अक्सर खराब हो जाने की वजह से पानी के लिए मरीज काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में अस्पताल के ओपीडी विभाग के फार्मासिस्ट भूपेंद्र सिंह ने मानवता दिखाते हुए स्वयं के खर्चों से निःशुल्क पानी और गुड़ का व्यवस्था मरीजों और राहगीरों के लिए किया है। फार्मासिस्ट जिला अस्पताल भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हमने अपनी किडनी अपनी पत्नी को डोनेट कर दिया है। एक दिन अस्पताल परिसर में मुझे बहुत जोर से प्यास लगी और उस दिन हमें पानी पीने को नहीं मिला। तब मैंने सोचा कि हमारी स्थिति इस तरह की है तो अस्पताल में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज आते हैं और उनको इस भीषण गर्मी में पानी ना मिले तो उनका क्या हाल होता होगा। वहीं से हमें प्रेरणा मिली और हमने जिला अस्पताल के ओपीडी में निःशुल्क पानी और गुड़ की व्यवस्था किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फार्मासिस्ट जिला अस्पताल भूपेंद्र सिंह और मरीज ने कहा, बोलो खाली चल बोलो होटल लोग का भाई सब क्या नाम है? देवेश तिवारी। देवेश कहाँ पे हो इस समय? इस समय हम गोरखपुर सदर हॉस्पिटल ओपीडी में हैं। यहाँ पे क्या व्यवस्था हुई है अभी? यहाँ पे आए हैं, प्यास बहुत तेज हमें लगी थी। यहाँ पे पानी की व्यवस्था और गुड़ की व्यवस्था है, काफी अच्छी व्यवस्था है ओपीडी द्वारा। काफी लोग परेशान, गर्मी में आ रहे, पानी नहीं मिल रहा और अच्छी व्यवस्था है। इस समय हम सदर हॉस्पिटल के अंदर आए हैं। साथ साथ में गुड़ है, क्या कहेंगे उसके? इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि धूप से लोग आ रहे हैं तो पानी की तो जरूरत है। इसके लिए तो बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? नीतू त्रिपाठी। कहाँ से आई हैं? मैं दावल से। मैं 10 साल से यहाँ पे पानी लाता था, 2 लीटर पानी। मैं किडनी अपनी डोनेट किया हूँ पत्नी को, क्योंकि मेरी अनवेड है। एक दिन पानी मैंने नहीं लाया, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई मेरे लिए पीने के लिए, जिससे दिक्कत हो गया। तो अब सोचे कि अपनी यहाँ की व्यवस्था जब नहीं है तो पानी की व्यवस्था यहाँ आम मरीजों के लिए करनी चाहिए, तो सोचे कि कर दें मरीज के लिए। आम पब्लिक परेशान होती है यहाँ पानी के लिए, हो जाएगा वो उपाय इस तरह से। तो कब तक रहेगा ये व्यवस्था? चलता रहेगा पानी जब तक गर्मी है, इस तरह से लू चल रहा है तब तक चलता रहेगा।